नमस्ते टेस्टी खाना बनाना में मैं बंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये है भिंडी और आलू का बढ़िया स्वादिष्ट भुजिया की रेसिपी, और वो भी बिना मसाले का। मसाला इसमें कुछ नहीं रहेगा, लेकिन स्वाद जो है मसालेदार से ज़्यादा टेस्टी ये लगता है। सिर्फ काली मिर्च, नमक और सूखी लाल मिर्च का हम तड़का देंगे। लंच बॉक्स वगैरह में आप इसको ले जा सकते हो। रोज़ रोज़ मसाला खाने का मन नहीं होता है, तो कभी कभी मसालेदार की जगह भिंडी या कोई और सब्जी, ऐसी सब्जी आप बना करके खा सकते हो। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पे मैंने ले लिया है कुछ भिंडी और एक बड़े साइज़ का पोटैटो, आलू, तीन लाल मिर्च सूखी, और यहाँ पर नमक है और काली मिर्च का पाउडर। बस बिना मसाले का ये सब्जी बनेगा और एकदम टेस्टी। बच्चे भी इसको बहुत पसंद करेंगे, बड़े तो करेंगे ही करेंगे। और जिसको रोज़ रोज़ मसाला ना खाना हो उस जगह पे ये सब्जी एकदम इजी वे में बना करके खा सकते हो। इस सब्जी को बनाने में 6 से 7 मिनट लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो भिंडी को मैंने बढ़िया वॉश करके सुखा लिया है, सूखे कपड़े से मैंने एकदम वाइप कर लिया है। अब इसमें कैसे काटना है, इसका पीसेस कैसे निकालना है, बड़ा छोटा आप अपने मन मुताबिक निकाल सकते हैं। हम कुछ है इस तरह का काट करके पूरा रेडी कर लेंगे, और ये आलू को भी काट करके रेडी कर लेंगे। आलू मैं इसमें इसलिए डाल रही हूँ कि मुझे आलू बहुत पसंद है। अगर मैं आलू को आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। ये देखो भिंडी और आलू काट करके रेडी कर लिया है। इस तरह के पीसेस में मैंने आलू को निकाला है। यहाँ पर मैंने रख दिया है कढ़ाई, इसमें हम डाल देंगे तेल। मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो। 4 टेबलस्पून, 4 बड़ा चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे, क्योंकि ये सूखी सब्जी है, थोड़ा तेल इसमें ज़्यादा चाहिए होता है। तेल गर्म हो गया है, सूखा लाल मिर्च जो है इसको हम डाल देंगे पहले। एकदम बढ़िया कलर आ गया है लाल मिर्च में। अब पहले हम आलू डालेंगे, क्योंकि भिंडी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आलू को लगता है। तो आलू अगर मैं डाल रहे हैं तो आप पहले आलू डाल देना, देन उसके बाद भिंडी डालेंगे। कम से कम 2 मिनट तक हम आलू को पका लेंगे। दो मिनट हो गया है पकाते हुए, ये देखो हल्का सा कलर आ गया है। और मैं पका रही हूँ मीडियम फ्लेम पे, फ्लेम के ऊपर ध्यान देना। अब हम डाल देंगे भिंडी। भिंडी डालने के बाद हम कर देंगे मिक्स अच्छे से, और फ्लेम को हम मीडियम लो पे कर देंगे एक बार। अब इसको हम कवर करके थोड़ी देर, मतलब 2 मिनट तक और पका लेंगे कवर करके। उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। 2 मिनट हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब फ्लेम को हम मीडियम पे कर देंगे, नमक डाल देंगे। इसको मिक्स करने में थोड़ी सावधानी बरतनी रहती है, आराम से मिक्स करना रहता है सब्जी को। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। मैंने एक बार हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे। नमक डालते ही इसमें लासा काफ़ी आ जाता है, लेकिन वो फिर बाद में टूट भी जाता है, वो टेंशन वाली कोई बात नहीं होती है। चेक कर लेते हैं। अब इसको कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑलमोस्ट ये कुक हो गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। लेकिन इसका सीड अभी पका हुआ नहीं है, तो उसको पकाना ज़रूरी है। ये देखो नमक डालने के बाद भी चिपचिपा नहीं हुआ है। अभी हम कवर करके ही थोड़ी देर पकाएंगे, जब तक कि इसका सीड ना कुक हो जाए। अच्छा, नमक अगर मैं कम ज़्यादा हो ना तो इसी स्टेज पे टेस्ट करके एडजस्ट कर सकते हो। इसमें कोई भी मसाला नहीं जाएगा। अब इसको हम कवर भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो बीज है ना एकदम अच्छे से कुक हो गया है, और ये एकदम सॉफ्ट हो गया है। भिंडी और आलू तो कुक ही हो गया है एकदम अच्छे से, बस इसमें सोनापन लाना है, थोड़ा सा क्रिस्पनेस लाना है। सोनापन लाएंगे हम ब्लैक पेपर डालने के बाद।
एक चौथाई चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। ये जो टेस्ट इसमें आता है ना, मैं बता नहीं सकती, इतना बढ़िया टेस्ट आता है। और थोड़ा सा नींबू का रस डाल रहे हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं कहूँगी एक बार ज़रूर डालकर ट्राई करना, टेस्ट एकदम अलग ही कर देता है नींबू का रस। ज़्यादा नहीं, बस एक तिहाई चम्मच आपको डालना है। मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर इसको हमें और पका लेना है। अब फ्लेम को मैंने मीडियम हाई पे कर दिया है, क्योंकि सोना पलाना है सब्जी में, सब्जी कुक हो गया है। जब तक कुक नहीं था तब तक फ्लेम मीडियम पे कर रखा था, मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम पे, और अब एकदम कुक हो गया है, सोना करना है तो मीडियम हाई फ्लेम पे कर दिया, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और भिंडी आप देख सकते, एक भी भिंडी टूटा नहीं है, एक भिंडी टूटा है खाली, ये देखो, और बाकी सब वैसे के वैसे हैं। सब्जी कुक हो गया है, जितना क्रिस्पी करना था उतना हमने कर लिया है, अब इससे ज़्यादा हमें नहीं करना। और सोनापन इसमें ला सकते हो, लेकिन इतना थोड़ा सा टेस्ट भी आना चाहिए ना भिंडी का। और ये देखो कितना एकदम भर भरा, एकदम अच्छा कलर आया है भिंडी में, और इतनी अच्छे से ये कुक हुआ है। इसको दूसरे बर्तन में हम निकाल लेते हैं। एकदम क्विक भिंडी आलू की भुजिया बनकर रेडी हो गया है, बिना मसाले का, एकदम हेल्दी। तेल थोड़ा कम डालना है तो डाल सकते हो, लेकिन पराठा बहुत टेस्टी है। मैं बताऊँ आपको, इसको आप पराठा के भी साथ खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो। लंच बॉक्स के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, क्विक अगर मैं कुछ बनाना है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। मेरा तो फेवरेट सब्जी है ये सब्ज़ी मेरा फेवरेट है। इस तरह से आप लोग भी बना करके इंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी को देख के लगा होगा ना, बहुत ही आसान है। अगर मैं पहले कभी नहीं खाया होगा ना इस तरह की सब्ज़ी, प्लीज़ एक बार ज़रूर बना कर खाना। पहली बार में ही आपको बहुत पसंद आएगा, आप बार बार बनाकर इसको खाओगे, बिलीव मी। ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे अपना प्रतिक्रिया ज़रूर बताना, मुझे तो पता चले कैसा लगा जो मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को लगता कैसा है। और भिंडी की सब्ज़ी मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी है, आप चेकआउट कर सकते हो। मेरे इस वीडियो को, मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में शेयर कर देना, लाइक कर देना, और इस चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।